अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारी किचन में बन रहा है चिकन पॉप्स। मज़ेदार से चिकन पॉप्स बनाऊंगी मैं। उनको बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले हमने चिकन लिया है इसमें, और चिकन लिया है मैंने पूरा हाफ केजी, और उसको इस तरह के छोटे छोटे पीसेस में हमने पॉप्स के पीसेस में कर दिया है। इस तरह से देखिए, छोटे छोटे पीसेस में हमने इनको कट कर लिया है इस तरह से। और अब हम जो है इसके अंदर कुछ मसाला इस्तेमाल करेंगे, कुछ स्पाइसेस डालेंगे जिनमें मैंने चीज़ें ली हैं आपको बताते हैं हम, बल्कि एक काम करते हैं साथ साथ आपको बताते भी जाते हैं और डालते भी जाते हैं। इसमें मैंने लिया है ये एक तकरीबन ये 4 टेबल स्पून है, ये मैंने सिरका लिया है, विनेगर ये डाला सबसे पहले इसमें, विनेगर जाएगा इसमें और इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह का मैंने ये ले लिया है और इससे आपको बहुत इजीली मिक्सिंग में आसानी होगी, आपके हाथ भी ज़्यादा जो है ना इसमें रेसिपी बनाते वक्त गंदे भी नहीं होंगे। और ये मैं ले रही हूँ इसमें कुछ स्पाइसेस, जिसमें है पिसी हुई लाल मिर्च ली है हमने 1 टेबल स्पून, ये लिया है हमने चिकन पाउडर आता है ये लिया है 1 टेबल स्पून, कुटी हुई क्रश चिली कुटी हुई लाल मिर्च ली है हमने ये हमने 1 टीस्पून ली है, गार्लिक पाउडर लिया है 1 टीस्पून, और ये लिया है हमने पिसी हुई काली मिर्च ब्लैक पेपर ये ली है 1/2 टीस्पून, और ये लिया है सॉल्ट, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए, मैंने लिया है 1 टीस्पून फुल। तो ये चीज़ें हैं ये हम इसमें डालेंगे। और एक अदद मैंने लिया है अंडा। तो जी अब शामिल करते हैं, सबसे पहले हमने सिरका शामिल करके इसको थोड़ी सी मिक्सिंग करनी है ताकि अच्छी तरह से सिरका इसमें चला जाए। अब हम इसमें डालेंगे ये नमक लिया था मैंने, ये डालूंगी मैं, क्वांटिटी आपको मैं बता चुकी हूँ। अच्छा जी, नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, और ये है चिकन पाउडर, और ये है जी क्रश चिली, ये है लहसुन पाउडर गार्लिक पाउडर, गार्लिक का पाउडर जाएगा इसमें, और ये है ब्लैक पेपर पिसी हुई काली मिर्च, ये आप मोटी मोटी सी कूट लेंगे फिर डालेंगे। ये सब चीज़ें इसमें जा चुकी हैं। और अब हम लेंगे एक अदद अंडा और उसको इसी तरह क्रश करके डाल देंगे हम इसमें। तो सारी चीज़ें इसमें जा चुकी हैं, अब हमने इसको करना है अच्छी तरह मिक्स। मैं इसी की मदद से इसको मिक्स करूंगी, पहले से इस तरह ऐसे थोड़ा सा चला लेंगे चम्मच ताकि ये स्पाइसेस आपस में मिक्स हों, और इसको आहिस्ता आहिस्ता इसकी मिक्सिंग करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे हम इसको ताकि सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं इस चिकन में। थोड़ा थोड़ा सा हिलाएंगे अच्छी तरह। तो जी ये जो है अगर आप बनाएंगे इसको थोड़ा, इसको आपको मैरिनेट करके रखना होगा 1 घंटे के लिए, आप इसको मैरिनेशन दे सकते हैं, फ्रिज में रखेंगे आप इसको 1 घंटा, फ्रिज में रखने के बाद आप इसको बनाएंगे, ये बहुत मज़ेदार सा इवनिंग स्नैक बनता है, और बच्चे तो इसको इस तरह खाते हैं बहुत मज़े ले लेके, बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है, आप KFC के चिकन पॉप्स भूल जाएंगे। और बहुत ही इजी है बनाने में, बस ये थोड़े से स्पाइसेस में जाएंगे, अच्छी तरह इसकी मैरिनेशन करेंगे मिक्सिंग करेंगे हम। खूब अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है मैंने। मैरिनेट मैंने कर दिया है इसे, और अब हम इसे रखेंगे अपने फ्रिज में तकरीबन 1 घंटे के लिए। आप चाहे तो इसको ज़्यादा देर तक भी मैरिनेट करके रख सकती हैं।
यहाँ हमने लिया है मैदा, मैदा लिया है हमने तकरीबन एक और एक कप भर के और आधा कप, डेढ़ कप मैदा लिया है। और इस तरह मैंने ये तकरीबन हाफ कप मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, ये है मैदा और ये है कॉर्नफ्लोर। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कॉर्नफ्लोर मैदे में, और इसमें जाएंगे कुछ मसाले, ये हम कोटिंग के लिए बना रहे हैं इसकी। मसालों में मैंने डाला है नमक लिया है 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च ली 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर लिया है 1 टीस्पून, और हाफ टी स्पून इसमें हमने ली है क्रश काली मिर्च, क्रश कर लिया है मोटा मोटा इसको। ये चीज़ें हम इसमें डालेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, गार्लिक पाउडर और काली मिर्च। तो ये सारे स्पाइसेस में जा चुके हैं, अब इसको हम करेंगे मिक्स अच्छी तरह से। मैरिनेट कर दिया था इसे हमने अपने फ्रिज में, और अब निकाला है हमने इसको, और अब हम इसको करेंगे फ्राई, डीप ऑयल में ये फ्राई होगा। तो जी इस तरह से इसके पीसेस हम लेंगे, इस तरह रखेंगे, थोड़े फासले फासले से रखिए आप इसको, मिक्सिंग करके दीजिए इसे, ताकि ये कि इसमें जो है वो अच्छी तरह से मसाला भी लगे। ठीक है, तो ये कुछ हम निकालेंगे और अभी फ्राई करेंगे। अच्छा, ये जो मिक्सचर मैंने आपको बताया है कि आप बना के इसको जो है वो एक जार में सेव भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। जार में इसको बना के आप एक ही दफ़ा रेडी कर लें, और उसके बाद ये कि आप फिर जस्ट चिकन मैरिनेट करें, निकालें और जार से निकालें, रेडी बिल्कुल ये है होगा आपको मिलेगा। ऐसा इसको डिप करेंगे थोड़ा सा इस मैदे के मिक्सचर में, और अब हम इसे लेके चलते हैं फ्राइंग के लिए। अच्छी तरह डिप कर लेंगे इसे और अब फ्राइंग पे लेके जाएंगे इस तरह से। आइए फ्राई करते हैं इसे। ऑयल ले लिया है, इसको अच्छी तरह से हमने गरम कर लिया है, और बहुत ही मीडियम सी इसकी आंच हमने रखी है, और ये बैटर हमारे रेडी था, और इसको इस तरह से मैरिनेट करा हुआ था हमने। अब इसको हम इसमें डालेंगे, बहुत हल्के हल्के हाथों से हम इसको डालेंगे, और स्लो हीट पर ये होगा, डालते ही इसकी हीट आप स्लो कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। वैसे इसमें जो हमने विनेगर और ये चीज़ें डाली थी, ये इसको अच्छी तरह से सॉफ्ट कर देगा। तो ये मज़ेदार से चिकन पॉप हमारे जा चुके हैं फ्राइंग में, और आपको इसकी फ्राई होने की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ आ रही होगी। जब इवनिंग टाइम में आप बच्चों की भूख के वक्त, या इवनिंग टाइम में, या लेट नाइट क्रेविंग हो आपको चिकन खाने की, मज़ा करने की, तो आप उस वक्त इसको मज़े से इंजॉय करेंगे, तो बहुत मज़ा आएगा आपको। एक साइड से ये जो है वो लाइट लाइट से फ्राई हो चुके हैं, और अब हम इसको साइड चेंज करेंगे इस तरह से, तो पलट देंगे ताकि दूसरा साइड भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। आप इसका कलर देख रहे हैं, एक साइड से देखिए फ्राई हो गया है। KFC में ये बहुत महंगे मिलते हैं, अगर आप KFC से मंगवाएं या खाएं तो यही चीज़ आप बच्चों को घर में बना के खिला सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो जी अब इस साइड को भी होने देते हैं हम फ्राई, रेडी हो चुके हैं ये बहुत अच्छी तरह से। देखिए दोनों तरफ से बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आया है, ये देखिए बहुत प्यारा कलर आया है। इसको अब हम जो है वो बटर पेपर रखेंगे प्लेट पे, और उस पर निकालेंगे
मज़ेदार से हमारे ये चिकन पॉप्स टेंडर होते हैं बिल्कुल, ये रेडी हैं। तो चिकन पॉप्स रेडी हो चुके हैं, गर्मा गर्म मज़ेदार से बहुत ही मज़े के ये बने हैं, और इसे हम खाने वाले हैं केचप के साथ। तो केचप लेंगे हम बस, और कुछ लिए मैंने आइसबर्ग्स, आइसबर्ग भी अच्छे लगते हैं हमें बहुत, तो ये भी हम खाएंगे इसके साथ। आप अपने खाने में वेजिटेबल्स का जब टच रखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा और बड़ा एनर्जेटिक होता है ये। वेजिटेबल का टच ज़रूर रखें, सैलेड्स का टच ज़रूर रखें, इससे बहुत ही सेहत अच्छी होती है इंसान की। तो जी मज़ेदार से ये पॉप्स हमारे रेडी हो चुके हैं, देखिए बहुत ही सॉफ्ट मज़े के बने हैं ये। आप बना के अपने बच्चों को खिलाइए, घर वालों को खिलाइए, और शाम के टाइम पे या लेट नाइट क्रेविंग के वक्त आपको ये बहुत मज़ा देंगे। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना, आप इसका बैटर बना के भी रख सकते हैं फ्रिज में, और जस्ट चिकन में ये मसालेजात शामिल करिए और फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, और फिर बनाइए इसे, बच्चों को इंजॉय करवाइए, चाय के साथ अच्छे लगते हैं ये, और अगर लेट नाइट आपकी कोई भूख है तो वो भी अच्छी तरह मिटा देंगे ये, और KFC और कैनन्स से आपको निजात मिल जाएगी। तो जी इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे बहुत अच्छी अच्छी मज़ेदार सी रेसिपियों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।